हेलो एवरीवन, आई एम जीशान। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और इसका रीजन यही है कि जॉब और यूट्यूब दोनों साथ होता है। कमेंट्स जो है मेरे यूट्यूब चैनल से और इंस्टाग्राम से मुझे डीएम मिलते हैं और एक ही क्वेश्चन, सिमिलरली क्वेश्चन यही रहता है कि सीएफएम में मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, सीएफएम में मैं वर्क कर रहा हूँ, बट मुझे ज़्यादा कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए और कितने टाइम तक काम करना चाहिए कि मैं एक अकाउंटेंट बन जाऊँ। और बहुत सारे दिमाग भी चलते रहते हैं जब आप कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, जब किसी सीनियर अकाउंटेंट के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे अकाउंटेंट फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो में बहुत डिटेल्स में सब समझाने वाला हूँ आप लोगों के लिए और ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो टिल दी एंड आप ये वीडियो देखिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और एक बात और, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और लाइक आपकी बहुत मोटिवेट करता है और ज़्यादा अपडेट रहना आपके साथ यूट्यूब पर। सो स्टार्ट दिस वीडियो। सो मोस्टली कमेंट, जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं सीएफएम में मैं वर्क कर रहा हूँ, इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी कैरियर और कहाँ जा रही है। देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में जब जा रहे हैं, आपका मन कर रहा है, तो सेल्फ बिलीव जो होता है, जो यकीन होता है खुद पर कि मैं कर सकता हूँ। जब हम कोई प्रिपेयर करते हैं किसी भी एग्जाम्स की, तो हम सोचते हैं कि मैं ये क्लियर कर लूँगा तभी हम जाते हैं वहाँ पर, या फिर कुछ अगर मन में डाउट रहता है तो जाहिर सी बात है, जब कुछ भी डाउट रहे कि यार मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये मुझे काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या मैं ये कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा, ये सारी चीज़ें डाउट, पहले इसको किल करना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा। खुद को पहले यकीन दिलाना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे खुद पर यकीन होना चाहिए, खुद पर बिलीव होना चाहिए, चाहे लोग कितना भी कहें कि तुम नहीं कर सकते, तेरे बस का नहीं है, कुछ भी व्हाटएवर रीज़न आपको दे सकते हैं कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते, किस फील्ड में आ गया, लेकिन आपको अगर यकीन है कि मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मेरा खुद का, मैं यूट्यूब चालू किया था अपनी यूट्यूब, जैसा कि मैं यूट्यूब चैनल चालू किया था, बहुत सारे से कमेंट्स मिलते थे कि भाई आप सिर्फ फोकस करो अपने काम पर, ये सब सारी चीज़ें क्यों बता रहे हो, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी है यूट्यूब चैनल पर। तो मैं यही सोचा कि यकीन है मुझे खुद पर कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें बता सकता हूँ जो मुझे नॉलेज मिली है यहाँ पर काम करते हुए। आज मुझे फख्र होती है, मुझे खुशी होती है, मुझे बिलीव होता है कि अगर वो सारी चीज़ों का बात अगर मैं मानता तो आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता कि आप लोगों को समझा सकूँ जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो सारी चीज़ें। तो खुद पे यकीन करना चाहिए। और रही बात जो बोल रहे हैं आप, तो सीएफएम में मैं काम कर रहा हूँ, कितने दिन तक काम करना चाहिए, देखिए सबसे लॉजिक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप इंटरव्यू दीजिए। आप 2 साल 3 साल अगर काम कर लिया, आपको परखना है, अगर खुद को आपको समझना है, देखिए अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ अगर आप हैं तो आपको बोलेंगे यार तुम बहुत बेस्ट हो, तुमको बहुत नॉलेज है, तो खुद में क्या एरोगेंट आ जाएगा, खुद पे आप सोचेंगे यार मुझे बहुत नॉलेज हो गया कि अभी क्या, कि जब आपको खुद पे वो हो जाता है ना कि एक होता है कि यार मुझे बहुत कुछ नॉलेज है, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, तब आप कहीं पर जाकर इंटरव्यू दें और वहाँ पर आप अपने आप को परख सकते हैं कि आप कितने पानी में, राइट, मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग भी ऐसे भी हैं जो जिनको समझ में नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती कि मुझे कितने टाइम तक काम करना है। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि सोचते हैं कि बहुत काम आ गया है, अब मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आपके अंदर ये चीज़ें नहीं ना पैदा हो कि आपको ये बिलीव हो जाए कि मुझे बहुत कुछ आता है। और ये जब बहुत कुछ आ जाता है, जब माइंड में ये आ जाता है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब कुछ नई चीज़ें नहीं सीख सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे बहुत कुछ आता है। हमेशा मैं अपने वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि अपने आप को स्टिल लर्नर मानिए, जैसा मैं खुद हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखना है अभी, और वाकई मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सिखाना है आप लोगों को। और जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सीएफएम में कितने टाइम तक इंटर्नशिप करना चाहिए, कितने टाइम तक सीखना चाहिए कि मैं अकाउंटेंट बन जाऊँ, देखिए सीखना ये आपके ऊपर है कि आपको कितना नॉलेज है, आप अकाउंटिंग फील्ड में, टैक्सेशन फील्ड में, ये सारी चीज़ें को नॉलेज लेना चाहते हैं, अकाउंटिंग फील्ड में सिर्फ नॉलेज लेना चाहते हैं, या फिर सिर्फ टैक्सेशन में नॉलेज लेना चाहते हैं, या फिर दोनों में ही आपको एक अच्छा नॉलेज अकाउंटेंट बनना है। और इसके जो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना होता है कि यार कि
जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे 2 महीना हुआ है और मुझे नहीं लगता कि मैं एक अकाउंटेंट बन जाता हूँ, ऐसा भी मुझे कमेंट मिला, ऐसे भी मुझे डीएम मिले, भाई 2 महीने में अपने लाइफ को क्यों ऐसा सोच रहे हो कि अपने लाइफ को सिर्फ 2 महीना देना है और उसमें आपको सोचना है कि यार मुझसे नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि किसी भी चीज को करने के लिए आपको 2 महीना, 3 महीना, साल भर देना पड़े। कुछ चीजें अच्छा सोचने के लिए लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, आपकी करियर सेट होने वाला है, तो 1 और 2 साल से कुछ नहीं होता। कुछ बनना है तो उसमें मेहनत लग करो, उसमें लगन से काम करो, फोकस से काम करो। आई एम श्योर कि जो भी चीजें आप सोच रहे हो वो आपको बन सकते हैं, जो भी चीजें आपको। और इस फील्ड में ये नहीं कि 1 महीना 2 महीना या 1 साल में आपको समझ में आता है कि यार मेरे बस की बात नहीं। नहीं, अकाउंटेंट टैक्सेशन फील्ड ऐसा है कि आपको टैक्सेशन तो ऐसा फील है आपको सालों साल लग जाते हैं उनकी उस ग्रीप में जाने के लिए। बहुत से ऐसे भी मैं अकाउंटेंट देखा हूँ जो 20 20 साल तक काम करते हैं, बहुत से ऐसे अकाउंटेंट देखा हूँ जो 5 साल काम करते हैं, और एज कम्पेयर टू अगर 20 साल वाले को देखो तो उससे ज्यादा नॉलेज 5 साल वाले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ग्रीप में जाना चाहते हैं, जो सिर्फ सेल परचेस बैंक स्टेटमेंट और सारी चीजों पे मस्त काम कर रहे हैं उनके लिए और कुछ है ही नहीं। लेकिन जो ग्रीप में जाना चाहते हैं, जो टैक्सेस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, और उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल होते हैं, और ये सोचते हैं कि यार भाई मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ और ये बंदे का इतना ज्यादा सैलरी है, कैसे हो पॉसिबल? पॉसिबल इसलिए है क्योंकि वो जो चीज सीखा है वो आप नहीं सीखे, वो दिन रात मेहनत करके टैक्सेशन की सारी नॉलेज लिया है, सारी प्रैक्टिस किया है, वो सारी चीजें जानता है, वो सारे रूल जानता है, वो सारी चीजें प्रिपेयर करना जानता है, वो टीडीएस इनकम टैक्स टीडीएस वो सारी चीजें जानता है। आप क्या जानते हैं? आप सिर्फ सेल परचेज बैंक स्टेटमेंट फाइनेंस, उसके आगे क्या है? अकाउंटिंग में कुछ नहीं है। अब ये ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू अगर सैलरी की बात करें तो टैक्सेशन में ज्यादा सैलरी मिलती है। और देखिए सीखना ये हम पे डिपेंड होता है, हमारे पे डिपेंड होता है, हम कितना सीख सकते हैं, कितना ज्यादा ग्रीप में हम नॉलेज ले सकते हैं, और ना सीखना वो भी हमारे पे डिपेंड है। कोई आपको हाथ पकड़ के सिखाएगा नहीं, कहीं जाओ आपको खुद से सीखना है, घर जाकर उस चीज को रिपीट करना है, क्या चीज सीखे। इंटरनेट का जमाना है, डिजिटली है, सारी चीजें अवेलेबल है यूट्यूब चैनल्स पर। क्योंकि मेरे बॉस हमेशा कहते हैं कि काम करना और लोगों को कनेक्ट करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कनेक्ट हमें लोगों जब क्योंकि काम हमें एक्सपीरियंस देती है, नॉलेज देती है, और कनेक्ट हमें लोगों से जोड़ती है। जब लोगों से जोड़ती है तो नई नई चीजें सीखने को मिलता है, नई नई चीजें तरीके तौर तरीके मालूम होते हैं कि और क्या करना है। राइट, आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इतना ही आप लोगों के लिए, और ये सारी चीजें आप लोग इंप्लीमेंट करें अपने लाइफ में। आई एम श्योर कि आप भी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे अकाउंटिंग फील्ड के अंदर एज अ गुड पर्सन। राइट, तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, और नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।